अब हम क्लास स्टार्ट करते हैं बच्चों। लास्ट क्लास में ना मैंने मोनेरा स्टार्ट कराया था, एंड इफ यू रिमेम्बर हम जो बायोलॉजिकल क्लासिफिकेशन कर रहे हैं, ये मोनेरा हमारा सबसे पहला किंगडम है जिसके अंदर सिर्फ और सिर्फ प्रोकैरियोट्स आते हैं। अब देखो फटाफट से जो बच्चे क्लास में नहीं थे, लास्ट क्लास में नहीं थे, हेलो एवरीबॉडी, वो प्लीज पिछला वाला लेक्चर देख लीजिए ताकि आपको पहले से समझ आए। आप इस क्लास के बाद भी देख सकते हैं। अभी हम जल्दी से एक छोटा सा रिव्यू देख लेते हैं कि हमने क्या पढ़ा था बैक्टीरिया के अंदर। तो बच्चों मैंने आपको बैक्टीरिया का ना स्ट्रक्चर बताया था, और हमने क्या किया था कि देखो बैक्टीरिया होता तो हमारा प्रोकैरियोट है, तो ऑब्वियसली उसका सेल बहुत ही प्रिमिटिव है, पहले है, ठीक है। उसके अलावा हमने किया था कि वो यूनिसेलुलर ऑर्गेनिजम्स होते हैं। अभी देखो इसमें क्या होता है, अगर मैं इनकी बाहर की बात करती हूँ, बॉडी की बात करती हूँ, तो देखो यहाँ पे क्या होता है, इसके पास इसका एक सेल मेम्ब्रेन है, यहाँ पे दिया है क्या सेल मेम्ब्रेन, नो ओके हाँ हाँ यस दिया है, दिस इज अ प्लाज्मा मेम्ब्रेन। तो ये देखो बच्चों ये वाला जो दे रखा है स्ट्रक्चर, दिस इज द प्लाज्मा मेम्ब्रेन, ऑलराइट। उसके बाहर होती है इनकी सेल वॉल। अब अगर मैं इनकी प्लाज्मा मेम्ब्रेन की बात करती हूँ तो ये बने होते हैं लिपिड्स और प्रोटीन से, तो इनका लिपोप्रोटीन स्ट्रक्चर रहता है। नाउ द सेल वॉल इज मेड अप ऑफ पेप्टिडोग्लाइकन, याद है सबको पेप्टिडोग्लाइकन, ऑलराइट। अब इस पेप्टिडोग्लाइकन के बाहर किसी किसी बैक्टीरिया में एक एक्सटर्नल होता है, मतलब एक एक्स्ट्रा स्ट्रक्चर होता है जिसको हम बोलते हैं ग्लाइकोकैलेक्स, जो उसको बाहर के हार्श एनवायरनमेंट से बचा रहा है, उसका वाटर का वाटर का लॉस रोक रहा है, काफी सारी चीजों में उसको हेल्प कर रहा है, ठीक है। चलो उसके बाद हमने क्या देखा, अब ये जो आपका ग्लाइकोकैलेक्स होता है ना, किसी किसी में ना ये सॉफ्ट होता है जिसको आप स्लाइम लेयर बोलते हो। और इस डायग्राम में जो मुझको दिख रहा है एक काफी हार्ड सा रिजिड स्ट्रक्चर है, तो उसको हम कैप्सूल बोलते हैं। सो दिस कैप्सूल इज नथिंग बट द ग्लाइकोकैलेक्स, ठीक है। नाउ अब हमने क्या देखा था, क्योंकि ये प्रिमिटिव है तो जो उसका न्यूक्लियस होता है वो वेल डिफाइंड नहीं होता, तो इसके पास ये देख रहे हो बच्चों, ये जो यहाँ पे क्रोमोसोमल डीएनए दिख रहा है, दिस इज द मेन डीएनए, एक सर्कुलर डबल स्ट्रैंडेड डीएनए होता है। और ये इसमें क्या होता है ना, इट इज नॉट इन अ न्यूक्लियस, तो इसको हम न्यूक्लियोइड बोलते हैं। और यहाँ पे ना नॉन हिस्टोन्स डीएनए होता है, यानी कि हिस्टोन प्रोटीन। आई होप सबने पढ़ा है कि हिस्टोन प्रोटीन पैकेजिंग में हेल्प करते हैं, जिसको नहीं पता है कोई बात नहीं बच्चों, हिस्टोन प्रोटीन्स क्या होते हैं, हमको पता है कि डीएनए कितना सारा होता है, मतलब न्यूक्लियस जो हमको आंखों से दिख भी नहीं रहा उसमें 2 मीटर लॉन्ग डीएनए है, ठीक है, ये इमेजिन हमें पता है हमारे सेल्स में। अभी इस डीएनए की पैकेजिंग होती है, एकदम कॉइल स्ट्रक्चर होता है जिसमें हिस्टोन प्रोटीन्स हेल्प करते हैं, तो इस केस में यहाँ पे हिस्टोन प्रोटीन्स नहीं होते, ठीक है। उसके अलावा इनके पास एक एक्स्ट्रा डीएनए होता है जिसको हम सर्कुलर प्लाज्मिड्स बोलते हैं, ये दिख रहा है आपको, दीज आर प्लाज्मिड डीएनए। अब ये अलग अलग टाइप के होते हैं, जिसमें आज हम एक टाइप का पढ़ेंगे, हम एफ प्लाज्मिड पढ़ेंगे, ये फर्टिलिटी प्लाज्मिड होता है बच्चों, एक होता है हमारे पास आर प्लाज्मिड, ठीक है, ये किसमें हेल्प करता है, ये रेजिस्टेंस प्रोवाइड करता है। उसके अलावा ये आपको छोटे छोटे यहाँ पे राइबोसोम्स दिख रहे हैं, जैसे जैसे यूकैरियोट्स में 80S राइबोसोम होता है जो 60 और 40 सब यूनिट से बना होता है, उसी तरीके से बैक्टीरियाज में ना बच्चों 70S राइबोसोम्स होते हैं, ऑलराइट यस। 11th का टाइम टेबल श्योरली बच्चों देखो, हर क्लास में स्टार्टिंग में हम एक टाइम टेबल लगाते हैं, इसमें नहीं है बट आप देखिएंगे आपको पता लग जाएगा, एंड प्लीज उसको फॉलो कीजिए। नाउ 70S, अब कई बच्चे पूछते हैं कि एस क्या है ना, एस कुछ नहीं होता है, इट इज जस्ट अ सेडबर्ग कांस्टेंट, मतलब जैसे हम बोलते हैं ना कि यार ये 1 किलो का है, ये 200 ग्राम का है, ये 500 मिलीग्राम का है, तो दीज आर द यूनिट्स, तो ऐसे ही इसको एक कांस्टेंट, इसका एक इसको डिफाइन कर दिया है एक सेडबर्ग यूनिट से। अब इसमें 2 सब यूनिट्स होते हैं जो कि होता है 50 और 30S,
तो इसको प्लस करके 80 नहीं करना है आपको, 70s रहने देना है, ठीक है। चलो अब इसके डीएनए की बात हो गई, इसके राइबोसोम्स की बात हो गई, इसके अलावा बीच बीच में ना यहाँ पे इस तरह का एक एमआरएनए होता है, उसमें भी छोटे छोटे राइबोसोम्स लगे होते हैं, उसको बच्चों मैंने बताया था बोलते हैं पॉलीजोम्स या फिर पॉलीजोम्स, ठीक है। चलो उसके अलावा मैंने आपको क्या बताया था, अब बैक्टीरिया के अंदर क्योंकि प्रोकैरियोट्स है तो उसमें ना बहुत ज्यादा वेल डिफाइंड ऑर्गेनेलीज नहीं होते, जैसे माइटोकॉन्ड्रिया नहीं होता, क्लोरोप्लास्ट नहीं होता, एंड्रोप्लास्मिक रेटिकुलम नहीं होता, तो यहाँ पे क्या होगा, अब कुछ कुछ बैक्टीरिया जो हम आज पढ़ेंगे साइनोबैक्टीरिया, वो क्या होते हैं बच्चों, वो अपना खाना खुद बना सकते हैं, तो वो कैसे बनाएंगे, उनके पास कहां से आएगा क्लोरोफिल, तो यहां पे इस तरीके से एनफोल्डेड स्ट्रक्चर्स होते हैं, इसको थोड़ा और डार्क कर लेते हैं, इस तरीके के एनफोल्डेड स्ट्रक्चर होते हैं, इसी के अंदर होता है आपका क्लोरोफिल, और इस एनफोल्डेड स्ट्रक्चर को आप क्या बोलते हो, क्रोमैटोफोर। तो यहाँ पे क्लोरोप्लास्ट नहीं है, प्लास्टिड्स नहीं है, दीज आर क्रोमैटोफोर्स। इसी तरीके से यहाँ पे रेस्पिरेशन भी तो होगी, एनर्जी भी तो चाहिए ना भाई, बैक्टीरिया एरोबिक टाइप की रेस्पिरेशन भी करता है और एनरोबिक भी करता है, ठीक है। चलो उसके बाद क्या होता है, अब ये रेस्पिरेशन करने के लिए माइटोकॉन्ड्रिया तो है नहीं, तो यहाँ पे और इसी तरीके की एनफोल्डिंग्स होती है बच्चों, जिसको हम बोलते हैं मीजोसोम। ये रेप्लिकेशन में हेल्प करता है, सेल वॉल को बनाने में मदद करता है, डिवीजन में हेल्प करता है और रेस्पिरेशन में हेल्प करता है, ठीक है। तो ये हमारे फटाफट से ये स्ट्रक्चर हो गया। अब ये लास्ट लास्ट के हमारे पास फ्लैजेला बचा, वी नो कि हमारे फ्लैजेला और सीलिया मूवमेंट में हेल्प करते हैं, इसके अलावा पाइलस होता है, पिलाई होता है, फिम्ब्री होता है, फिम्ब्री अटैच करने में हेल्प करता है और पाइलस रिप्रोडक्शन में हेल्प करता है, जो हम आज पढ़ेंगे, ठीक है। तो ये फटाफट से हमने इसका क्विक स्ट्रक्चर देख लिया है, नाउ वी मूव ऑन टू हमारा आज जो हम पढ़ने वाले हैं। अब हम पढ़ेंगे कि जनरली जो मोनेरा होते हैं, बैक्टीरियाज होते हैं, वो न्यूट्रिशन कैसे लेते हैं, वो रेस्पिरेशन कैसे लेते हैं, वो अपने लाइफ के प्रोसेसेस को कैसे अपनाते हैं, ठीक है। चलो किसी को कोई डाउट, ऑलराइट, कोई डाउट नहीं है। चलो अब देखो, जो हमारा बैक्टीरिया का जो न्यूट्रिशन होता है ना, वो हेटरोट्रॉफ भी हो सकता है और ऑटोट्रॉफ भी हो सकता है। देखो मतलब देख रहे हो कितने कमाल के हैं, मतलब अपना खाना खुद भी बना लेते हैं और जब नहीं, जिनसे नहीं बन रहा वो दूसरों को खा लेते हैं। दिस इज हाउ मल्टी टैलेंटेड दे आर। तो देखो ऑटोट्रॉफ्स बच्चों, जैसे हमको पता है प्लांट्स ऑटोट्रॉफ्स होते हैं, ये क्यों होते हैं, क्योंकि ये अपना खाना खुद बनाते हैं, दे प्रिपेयर देयर ओन फूड। अब प्लांट्स में हमारे पास होते थे फोटो ऑटोट्रॉफ्स, ठीक है। यहाँ पे देखो क्या होता था, फोटो का मतलब है लाइट। अब याद करो बचपन वाला फोटोसिंथेसिस, लाइट सूरज की रोशनी आ रही है, क्लोरोफिल उसको एब्जॉर्ब कर रहा है, ठीक है। विद द हेल्प ऑफ सनलाइट, क्लोरोफिल एब्जॉर्ब कर लिया सनलाइट को, एटमॉस्फेयर से कार्बन डाइऑक्साइड को यूज करते हैं, वाटर को यूज करते हैं, और जो लाइट एनर्जी है वो केमिकल एनर्जी में कन्वर्ट होती है। इस वाटर मॉलिक्यूल्स की स्प्लिटिंग होती है, क्योंकि जो प्रोटॉन्स मिल रहे हैं टूट के, वो भी हमें कहीं ना कहीं यूज करने हैं, ठीक है, बहुत ज्यादा डीप में नहीं जाएंगे। तो इसका यूज करके अल्टीमेटली क्या बनाता है प्लांट, ग्लूकोज बनाता है, जिसमें कार्बोहाइड्रेट्स बनते हैं, यानी कि आपका जो कार्बन डाइऑक्साइड होता है ना, उसका रिडक्शन होता है, ठीक है, उसका रिडक्शन होके ग्लूकोज मिलता है। तो यहाँ पे यही चीज हो रही है, एग्जैक्टली यही चीज हो रही है, क्रोमैटोफोर हेल्प करता है सनलाइट की एब्जॉर्प्शन में। तो ये फोटो ऑटोट्रॉफ्स भी होते हैं, लेकिन देखो इसमें दो टाइप होते हैं आपके। अब मैंने आपको बताया कि स्प्लिटिंग ऑफ वाटर मॉलिक्यूल्स होती है, जब ये वाटर मॉलिक्यूल्स की स्प्लिटिंग है, तो जब जब फोटोसिंथेसिस होती है तो आपको कार्बोहाइड्रेट तो मिल रहा है, स्टार्च तो मिल गया है, लेकिन एक बाय प्रोडक्ट मिलता है विच इज ऑक्सीजन, है ना। ऑक्सीजन मिलता है, प्लांट्स दिन में जब फोटोसिंथेसिस करते हैं तो वो ऑक्सीजन रिलीज करते हैं, तो बैक्टीरिया भी ये करते हैं। मतलब आप देखो कितने अच्छे हैं ये बैक्टीरिया, ये भी ऑक्सीजन दे रहे हैं आपको, ठीक है, और कितने सारे भी होते हैं। तो जो बैक्टीरिया
फोटोसिंथेसिस से ऑक्सीजन रिलीज करते हैं, जस्ट लाइक प्लांट, वो हो गई ऑक्सीजेनिक, जिसमें ऑक्सीजन रिलीज हो रहा है एज अ बाय प्रोडक्ट। अब ये क्या लिखा है मैंने यहाँ पे, एनऑक्सीजेनिक। एनऑक्सीजेनिक मतलब यहाँ पे ऑक्सीजन नहीं रिलीज हो रहा है, ऑक्सीजन नहीं रिलीज हो रहा है। अब देखो मैं एक आपको एक चीज बताती हूँ, जब बहुत पहले जब ये सब कुछ पता भी नहीं था, तो जब फोटोसिंथेसिस डिस्कवर ही हुआ था, तो स्टार्टिंग में देखा गया था, कुछ साइंटिस्ट थे उन्होंने ये देखा कि यार प्लांट है जब वो सनलाइट में अब्सॉर्ब कर रहा है, कुछ रिलीज करता है, ऑक्सीजन रिलीज कर रहा है, ठीक है, यानी कि कुछ वो कर रहा है, फोटोसिंथेसिस कर रहा है, जिसकी वजह से ऑक्सीजन रिलीज हो रही है। बट एट द सेम टाइम कुछ ऑर्गेनिजम्स ऐसे भी देखे गए बच्चों जो H2S को यूज करते हैं, वाटर को यूज नहीं कर रहे, और वो सल्फर रिलीज करते हैं। क्या रिलीज करते हैं? सल्फर। एग्जाम्पल योर, मैं लिख देती हूँ, ग्रीन सल्फर बैक्टीरिया, ठीक है। एक ये हो गया एग्जाम्पल, एक एग्जाम्पल आप देखोगे बुक्स में, पर्पल सल्फर बैक्टीरिया। ये बैक्टीरिया ना फोटोसिंथेसिस तो कर रहे हैं, सनलाइट से ही कर रहे हैं, लेकिन ये ऑक्सीजन ना दे करके सल्फर रिलीज करते हैं, तो उनको बोलते हैं एनऑक्सीजेनिक फोटोट्रॉप्स, ठीक है। चलो अब आ गया हमारा कीमो ऑटोट्रॉप्स। अब भाई ऑटोट्रॉप्स तो यहाँ पे भी है, कोई डाउट नहीं है किसी को, वेरी गुड। ऑटोट्रॉप्स तो यहाँ पे भी है, खाना तो अपना खुद ये भी बना रहे हैं, लेकिन कीमो वर्ड कहाँ से आ गया है यहाँ पे? अब देखो फोटो में ना आप सनलाइट को यूज कर रहे थे, लेकिन कीमो जब वर्ड यूज होता है तो यहाँ पे केमिकल से मतलब है, यानी कि यहाँ पे केमिकल रिलीज होती है, ठीक है। अब एक एग्जांपल देती हूं मैं आपको, नाइट्रीफाइंग बैक्टीरिया। नाइट्रीफाइंग बैक्टीरिया बच्चों ये चीज करते हैं। अब ये क्या करते हैं, जो नाइट्रीफाइंग बैक्टीरिया होता है ना, ये हर प्लांट्स को, हर किसी को नाइट्रोजन चाहिए होता है, ठीक है, नाइट्रोजन चाहिए होता है, लेकिन नाइट्रोजन या तो अमोनिया की फॉर्म में ले सकता है प्लांट्स ऑर्गेनिज्म, या नाइट्रेट्स की फॉर्म में ले सकता है, डिफरेंट डिफरेंट फॉर्म है, मतलब जो N2 गैस प्रेजेंट है ना एनवायरनमेंट में, उस फॉर्म में नहीं ले पाते ऑर्गेनिज्म्स। तो नाइट्रीफाइंग बैक्टीरिया क्या करते हैं, जो एटमॉस्फेरिक नाइट्रोजन है, पहले तो वो कन्वर्ट हो गई अमोनिया में, अब ये जो आपका अमोनिया आ जाता है ना, इसकी ऑक्सीडेशन करते हैं, अमोनिया की ऑक्सीडेशन करते हैं और नाइट्रेट्स बनते हैं, ठीक है, नाइट्रेट्स बनते हैं। तो इस टाइप के जो केमिकल रिएक्शन होते हैं, ये मैं आपको एग्जांपल दे रही हूँ, कि लेट्स टेक एन एग्जांपल ऑफ नाइट्रीफाइंग बैक्टीरिया, जो कि अमोनिया की ऑक्सीडेशन करके नाइट्रेट्स बना रहे हैं, ठीक है। अब जब नाइट्रेट्स बनते हैं तो वहां पे कुछ एनर्जी रिलीज हो रही है, मान लो ऑक्सीडेशन हो रहा है, तो यहाँ पे केमिकल एनर्जी रिलीज हो रही है, देयर इज अ बॉन्ड, एक बॉन्ड तोड़ रहा है, नए बॉन्ड्स बन रहे हैं, तो ये जो बच्चों केमिकल एनर्जी है ना, इस केमिकल एनर्जी को यूज करके जब फूड प्रोड्यूस होता है तो उनको कीमो ऑटोट्रॉप्स बोलते हैं। तो जो प्लांट्स सनलाइट को यूज करके लाइट एनर्जी को केमिकल एनर्जी में कन्वर्ट कर रहे थे ना, यहाँ पे उनको लाइट एनर्जी की जरूरत नहीं है, दे आर डायरेक्टली यूजिंग द केमिकल एनर्जी, किसकी वजह से, जो केमिकल रिएक्शंस होते जा रहे हैं उन केमिकल रिएक्शंस की केमिकल एनर्जी को यूज करके खाना बनाते हैं। चलो तो ये तो हो गया ऑटोट्रॉप्स, ठीक है, ऑटोट्रॉप्स जो अपना खाना खुद बना रहे हैं। ओके, व्हाट इज पल्पर सल्फर बैक्टीरिया, ये एक एग्जांपल है बैक्टीरिया का, ग्रीन सल्फर बैक्टीरिया, पल्पर सल्फर बैक्टीरिया, सल्फर रिलीजिंग बैक्टीरिया, ठीक है, सल्फर रिलीजिंग बैक्टीरिया होते हैं, कॉमन नेम है उनका, जो कि खाना बना रहे हैं अपने केमिकल एनर्जी को यूज करके, ठीक है। चलो अब वो जब फूड की सिंथेसिस कर रहे हैं ना, उसमें एक मिनट, कंफ्यूज कर रहे हो, चलो ठीक है, क्या हुआ, मैंने क्या बताया था कि एनऑक्सीजेनिक जो फोटोसिंथेसिस, यहाँ पे केमिकल की बात नहीं हो रही, जो फोटोसिंथेसिस में, वो एनर्जी जो सन से आ रही है, तो जो बाय प्रोडक्ट मिलता है ना आपको ऑक्सीजन, तो पर्पल सल्फर बैक्टीरिया में ऑक्सीजन के बदले सल्फर रिलीज होता है, ठीक है। चलो नाउ हेटरोट्रॉप्स, अब ये दूसरों पे भी डिपेंड होते हैं, दे डिपेंड ऑन अदर्स, ठीक है,
दूसरों से अपना खाना लेते हैं, कैसे लेते हैं भाई, पैरासिटिक। हमारी बॉडी पे बैक्टीरिया होते हैं कि नहीं होते, इकोलाई होता है हमारी बॉडी बॉडी में, बहुत सारे बैक्टीरियाज होते हैं, ठीक है। तो जो बैक्टीरियाज लिविंग ऑर्गेनिज्म में फीड करके, मतलब जब कोई जिंदा इंसान पे, जैसे मॉस्किटो आ गए, खून सक करके चले गए, ब्लड सक करके चले गए, तो क्या हो गया भाई, वो पैरासाइट है ना, वो पैरासाइट का काम कर रहे हैं, वो हमारी बॉडी से, हम लिविंग थे वहां से न्यूट्रिशन लेके चले गए, तो उनको हम पैरासिटिक बोलते हैं। जो डेड ऑर्गेनिज्म से अपना न्यूट्रिशन लेते हैं उसको हम सैप्रोफिटिक बोलते हैं। तो ऐसा भी न्यूट्रिशन होता है बैक्टीरिया का। और जो सिम्बायोटिक होते हैं, अब ये हम बहुत टाइम से पढ़ रहे हैं, जो राइजोबियम, एग्जांपल राइजोबियम बैक्टीरिया विद लेग्यूमिनस प्लांट्स जैसे सोयाबीन, ठीक है, लेग्यूमिनस प्लांट्स के जो रूट्स होते हैं, ठीक है। अब इसको कहाँ बनाएं, एक मिनट, यहाँ पे मैं आपको ड्रॉ करके दिखाती हूँ। जो रूट्स होते हैं ना, मान लो ये रूट्स हैं, ठीक है, ये जो रूट्स है ना, ये जो आपस में सॉइल है ना, इसके आसपास बैक्टीरिया आता है। तो अगर आप एक रूट को देखोगे ना, तो ये इस तरीके से ना, बैक्टीरिया जैसे ही बैक्टीरिया मान लो इसके अंदर आ गया ना, ये एक कर्लिंग सी हो जाती है बच्चों, तो ये इसके अंदर पहुंच गया, यहाँ पे नोड्यूल्स बना देता है, ये धीरे धीरे यहाँ पे स्वेल होके यहाँ पे ना नोड्यूल्स बना देता है। और ये क्या कर रहा है, अब यहाँ पे वो हेल्प कर रहा है प्लांट को उसका नाइट्रोजन लेने में, नाइट्रोजन को फिक्स कर रहा है और अपना खाना ले रहा है। तो सिम्बायोटिक एसोसिएशन वो होती है जब दोनों को फायदा होता है। तो हेटरोट्रॉफ में ऑर्गेनिज्म, ये जो बैक्टीरिया है, ये लेग्यूमिनस प्लांट से अपना खाना ले रहे हैं और साथ में उसको भी हेल्प कर रहे हैं, ठीक है, सबको समझ आया। चलो अब यहां पे क्या किया हमने, मोड ऑफ न्यूट्रिशन पढ़ लिया, नाउ विल सी कि रेस्पिरेशन कैसे होता है। चलो अब देखते हैं रेस्पिरेशन क्या है, रेस्पिरेशन का क्या मतलब है, रेस्पिरेशन और ब्रीदिंग का क्या मतलब है, व्हाट इज रेस्पिरेशन। हम तो भाई खाना खाते हैं, सब खाना खाते हैं, बैक्टीरिया भी खाना खाता है, पर वो खाना हमारी बॉडी में लगेगा कैसे भाई, ठीक है, हमारी बॉडी को तो एनर्जी चाहिए, लेकिन वो फूड इज अ सोर्स ऑफ एनर्जी, इट इज नॉट द अल्टीमेट एनर्जी। तो कोई भी ऑर्गेनिज्म क्या करता है, फूड की ऑक्सीडेशन करता है, फूड की ऑक्सीडेशन करता है ताकि उसको एनर्जी मिल सके। ये सब पढ़ चुके हैं, ठीक है, सबने स्टार्टिंग में थोड़ा थोड़ा 10th क्लास में लाइफ प्रोसेस में पढ़ा है कि ऑक्सीडेशन ऑफ फूड से को हम रेस्पिरेशन बोलते हैं, तो दैट इज रेस्पिरेशन। तो ये किस टाइप की होती है, अब ये जो ऑक्सीडेशन हो गई, एनर्जी मिल गई, ठीक है, तो बेसिकली यहां पे ब्रेकडाउन होता है जब हम फूड का, अब लेट सपोज ग्लूकोज मिल गया भाई, ग्लूकोज मिल गया, ठीक है, अब ग्लूकोज इज नॉट द अल्टीमेट, ग्लूकोज से एनर्जी बनानी है, तो ग्लूकोज का ब्रेकडाउन होता है एटीपी को बनाने में, उसको बोल दिया है हमने रेस्पिरेशन, ठीक है। अब ये रेस्पिरेशन बैक्टीरिया भी कर रहे हैं, लेकिन बैक्टीरिया देखो फिर से, मतलब देख रहे हो कितने मल्टी टैलेंटेड है ये एरोबिक बैक्टीरिया भी होते हैं, यानी कि ये ऑक्सीजन की प्रेजेंस में, यानी ऑक्सीजन तो चाहिए होता है, जैसे हमको चाहिए ना ऑक्सीजन, चाहिए हमको अपने खाने को तोड़ने में, ग्लूकोज को तोड़ने में और एनर्जी बनाने में, इन द सेम वे बैक्टीरिया को भी ऑक्सीजन चाहिए, उनको हम एरोबिक बोलते हैं, ठीक है। अब यहां पे ना बच्चों फर्दर टू टाइप्स के हो गए, एक हो गया आपका ऑब्लिगेट, ऑब्लिगेट का मतलब है ना कि मतलब करना ही पड़ेगा, कोई आपके पास तोड़ नहीं है इस चीज का, मतलब करना ही है, डू एंड डाई सिचुएशन। तो ऑब्लिगेटरी एरोबिक, एरोबिक मतलब ऑक्सीजन का यूज करने वाले, तो ये ऑब्लिगेट एरोबिक्स वो होते हैं जिनके लिए कंपल्सरी होता है क्या, ऑक्सीजन, यानी ये सिर्फ और सिर्फ ऑक्सीजन के साथ अपने खाने को तोड़ पाएंगे, रेस्पिरेशन कर पाएंगे। अगर होगी तो एब्सेंस ऑफ ऑक्सीजन, तो दे विल डाई, ऑक्सीजन की एब्सेंस में वो मर जाएंगे, ठीक है। अब
फैकल्टेटिव एनोरोब्स, अब यहाँ पे एनोरोब्स आ गया, एनोरोब्स का मतलब होता है एब्सेंस ऑफ ऑक्सीजन, फैकल्टेटिव मतलब ऑप्शनल, मजबूरी हो गई है एक, सॉरी मजबूरी नहीं है, मतलब मजबूरी तो पहले हो गई थी, यहाँ पे ऑप्शनल है, मतलब मेरी मर्जी है, मेरी मर्जी है, मुझे ऑक्सीजन मिल गई तो मैं उसको यूज कर लूंगी, मुझे ऑक्सीजन नहीं मिली तो ठीक है भाई, मुझे नहीं है तुम्हारी जरूरत, ठीक है, तो वो होते हैं फैकल्टेटिव एनरोब्स। अब ये क्या करते हैं, ऑप्शनल है, यानी कि लेट सपोज इसके पास ऑक्सीजन नहीं है तो दे विल सर्वाइव फॉर सम टाइम, ठीक है, तो उनको हम फैकल्टेटिव एनरोब्स बोलते हैं। चलो नेक्स्ट, नेक्स्ट हमारा है एरोबिक, एनरोबिक हमने ये कर लिया, अब देखो यहाँ पे क्या होगा, एनरोबिक में पहले ही समझ आ गया होगा आपको कि ये है कंप्लीटली एब्सेंस ऑफ ऑक्सीजन, ऑक्सीजन की एब्सेंस में, यानी कि मैं कह सकती हूं अगर इनको ऑक्सीजन मिला तो दे विल डाई, ऑक्सीजन की प्रेजेंस में वो रेस्पिरेशन नहीं कर पाएंगे। अब उसमें ऑब्लिगेट भी आ गया, यही वाली बात आ गई है ना, मतलब करना ही पड़ेगा, इनके पास कोई चॉइस नहीं है, ऑक्सीजन नहीं होगी तो ही इनके पास ये रेस्पिरेशन हो पाएगी, अगर तो प्रेजेंस ऑफ ऑक्सीजन हुई तो दे विल डाई, मतलब प्रेजेंस हो रही है तो दे विल डाई, और अगर एब्सेंस है तो दे विल सर्वाइव, ठीक है। फैकल्टेटिव में क्या हो गया, अब यही मर्जी, अपनी मर्जी के मालिक हो गए भाई, अब फैकल्टेटिव एरोबिक यानी कि अगर ऑक्सीजन है भी, अगर ऑक्सीजन की प्रेजेंस है भी तब भी ये सर्वाइव कर लेंगे और रेस्पिरेशन कर लेंगे, ठीक है, कोई डाउट, ठीक है। अब हमने न्यूट्रिशन पढ़ लिया, हमने रेस्पिरेशन पढ़ लिया, ठीक है, अब वो अपने आप को मल्टीप्लाई भी तो करेंगे ना, बायोलॉजी इज द ओनली साइंस जहां पे मल्टीप्लीकेशन होती है डिवीजन के बेस पे, है ना भाई, मैथ्स में तो मल्टीप्लीकेशन डिवीजन अलग होता है ना, यहाँ पे तो डिवाइड करके हमें मल्टीप्लीकेशन होती है, तो यहाँ पे भी यही होगा, बैक्टीरिया के अंदर सेल डिवीजन होता है, अब वो एक हो गया मोड ऑफ रिप्रोडक्शन, लेकिन उसके अलावा भी ना बहुत सारे तरीके से बैक्टीरिया रिप्रोड्यूस करता है, ठीक है। तो यहाँ पे सबसे पहला है बच्चों एसेक्सुअल मेथड, क्या हो गया एसेक्सुअल मेथड, एसेक्सुअल मेथड है मतलब यहाँ पे सिर्फ और सिर्फ आपका एक ही पेरेंट इन्वॉल्व है, यहाँ पे किसी भी तरीके के गैमेट्स नहीं है और ना ही गैमेट्स की फर्टिलाइजेशन हो रही है, ठीक है। अब ये होगा कैसे, फर्स्ट इज योर बाइनरी फिजन, अब देखो ये कैसे होता है, लेट सपोज कि ये एक बैक्टीरिया है और ये है इसका डीएनए, ठीक है, तो पहले तो क्या होगा, ये डीएनए रेप्लिकेट हो जाएगा, अब जब ये डीएनए रेप्लिकेट होगा तो बाद में आपका सेल डिवाइड हो जाएगा, साइटोकाइनेसिस भी हो जाएगी और आपको मिल गए टू डॉटर सेल्स, ठीक है, कोई डाउट, वेरी गुड, नो डाउट, चलिए जो डाउट है मुझसे पूछिए। तो बाइनरी फिजन मींस टू में डिवाइड होना, दो में डिवीजन हो जाना, तो एक बैक्टीरियल सेल दो में डिवाइड हो जाता है। नाउ नेक्स्ट इज एंडोस्पोर्स, ये भी बच्चों एक एसेक्सुअल मेथड है, अभी स्पोर्स ना हमेशा ना यहाँ पे अनफेवरेबल कंडीशंस में बनते हैं, ठीक है, मान लो कोई कंडीशन ऐसी आ गई कि बैक्टीरिया बोल रहा भाई मैं नहीं कर रहा बच्चे पैदा, मुझे नहीं करने, मैं नहीं करूंगा चाहे कुछ भी हो जाए, मुझे फेवरेबल कंडीशंस चाहिए, ठीक है, बट टैलेंटेड तो बैक्टीरिया है, अपनी तैयारी तो वो करके रखेंगे। अब अपनी तैयारी वो कैसे करते हैं, बैक्टीरिया के अंदर, जब बैक्टीरिया के अंदर लेट सपोज ये आपका डीएनए रेप्लिकेट हो गया, ठीक है, डीएनए रेप्लिकेट हो गया, अब ये बैक्टीरिया तो मान लो मर गया या धीरे धीरे खत्म हो रहा है, कुछ भी हो रहा है, लेकिन धीरे धीरे ये जो सेल वॉल है साइटोप्लाज्म है ये सुकुड़ता रहता है और एक स्पोर जैसा बना लेता है बॉडी के ही अंदर, एंडोस्पोर्स, हमने पढ़ा है ना स्पोर्स होते हैं रिप्रोडक्टिव स्ट्रक्चर जो जहां पड़ते हैं फेवरेबल कंडीशन में जर्मिनेट हो जाते हैं, तो ये बॉडी के अंदर बन गया, इसको रिप्रोडक्शन नहीं करनी, तो उसने बॉडी के अंदर एक स्पोर बना दिया, सब कुछ धीरे 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 उसकी इतनी हार्ड कवरिंग बन गई कि वो उस हार्श कंडीशन से बच रहा है और रिप्रोड्यूस भी नहीं कर रहा। अब जैसे ही फेवरेबल कंडीशंस आएंगी ये बाहर आएगा और डिवाइड हो जाएगा, रिप्रोड्यूस कर जाएगा,
ठीक है, तो ये हो गया हमारा एंडोस्पोर्स। ऑल राइट, चलो अब यहाँ पे जो बैक्टीरिया होते हैं ना, यस यू हैव अ क्वेश्चन, जो क्वेश्चन हो, कोई डाउट हो मुझसे पूछिए। जब हमारे पास कोई बैक्टीरिया ने क्या कर लिया, लो एसेक्सुअल रिप्रोडक्शन कर ली, ठीक है, अब क्या करना है उनको, दूसरी टाइप की रिप्रोडक्शन भी करते हैं। अब यहां पे ना मैंने एक चीज लिखी है आपको, जेनेटिक रिकॉम्बिनेशन और सेक्सुअल। आप जेनेटिक रिकॉम्बिनेशन यूज कीजिए, सेक्सुअल क्यों बोला है मैंने यहां पे, क्या होता है ना कभी कभी जब सेक्सुअल का मतलब है जब दो आपके गैमीट्स मिल रहे हैं, गैमीट्स मिलते हैं तो क्या होता है, न्यूक्लियस मिल रहा है, दो जेनेटिक मटेरियल कंबाइन हो रहे हैं, तो यहाँ पे भी ना यही होता है, ठीक है, लेकिन ये किस तरीके से होता है, ये अलग अलग मेथड होता है। तो जेनेटिक रिकॉम्बिनेशन होती है बैक्टीरिया के अंदर, इसके थ्रू भी वो रिप्रोड्यूस करते हैं, एंड दीज आर नॉट ए सेक्सुअल मेथड, ओके, दीज आर नॉट ए सेक्सुअल मेथड, जिसमें सबसे पहला है ट्रांसफॉर्मेशन। ऑलराइट, सबसे पहला है ट्रांसफॉर्मेशन। अब मान लो कहीं कोई बैक्टीरिया है बेचारा, यहाँ पे पड़ा हुआ है, ये है इसका डीएनए, ठीक है, आसपास कोई कुछ दूसरा बैक्टीरिया, बैक्टीरिया का डीएनए है, कुछ मर गए हैं, इधर उधर यू नो लाशें पड़ी हैं बैक्टीरियों की, और कोई यू नो फॉरेन डीएनए है, फॉरेन डीएनए पड़ा है, लेट सपोज दिस इज अ फॉरेन डीएनए, ठीक है, तो ये हो गया आपका फॉरेन डीएनए, और ये तो है लिविंग बैक्टीरिया, ठीक है। अब क्या होगा, कभी कभी बैक्टीरिया, लिविंग बैक्टीरिया अपने आसपास के सराउंडिंग से फॉरेन डीएनए को एब्जॉर्ब कर लेते हैं, क्या कर लेते हैं, एब्जॉर्ब कर लेंगे, जिसकी वजह से ये धीरे धीरे उसका जो डीएनए है अपने डीएनए में इनकॉर्पोरेट कर लेंगे, और वहां पे हो जाएगी बच्चों ट्रांसफॉर्मेशन, उसका डीएनए में क्या हो गई, ट्रांसफॉर्म हो गया उसका डीएनए। तो ये जैसे उसका डीएनए था ना, ये उसका डीएनए था, इसमें बाहर का फॉरेन डीएनए भी मिक्स हो गया, नाउ दिस इज द ट्रांसफॉर्म डीएनए, तो इसको हम ट्रांसफॉर्मेशन बोलते हैं, ठीक है, ऑल राइट, ओके। अच्छा, कौन कौन से ऑर्गेनिज्म किंगडम मोनेरा में आते हैं, कौन कौन से आते हैं, मैंने सबसे पहले आपको बताया था मोनेरा के अंदर सिर्फ और सिर्फ प्रोकैरियोट्स आते हैं और यूनिसेलुलर आते हैं, सिर्फ प्रोकैरियोट्स, ठीक है, इसमें आपके एक्टिनोमाइसिटीज आ जाते हैं, इसमें आपके क्या पढ़ रहे हैं हम, यू बैक्टीरिया आ जाते हैं, विच आर द ट्रू बैक्टीरिया, इसके अंदर आपके फाइव किंगडम क्लासिफिकेशन के अकॉर्डिंग, इसके अंदर आपके आरके बैक्टीरिया भी आते हैं, इसमें साइनो बैक्टीरिया आते हैं जिसको आप ब्लू ग्रीन एल्गे बोलते हो, और इसके अंदर आपके माइकोप्लाज्मा भी आते हैं, ठीक है, हम अभी पढ़ेंगे। नाउ ट्रांसडक्शन क्या होता है, नाउ व्हाट इज ट्रांसडक्शन, ये कुछ बच्चे जो ट्वेल्थ में, आप बच्चों कुछ आप ट्वेल्थ में पढ़ोगे, क्या होता है ना, लेट सपोज कि ये एक ना मैंने बना दिया बैक्टीरिया, ठीक है, अब बैक्टीरिया हमें नुकसान पहुंचाते हैं, बट एक चीज ऐसी है ना जो इनको भी नहीं छोड़ते, मतलब बैक्टीरिया को भी नहीं छोड़ते वो, कि भाई तुमको तो मैं देखता हूं, और वो हो जाते हैं कौन, वायरस, ठीक है, सो दीज आर वायरस, और इनको मैंने बोल दिया बैक्टीरियोफाज, ये एक वायरस का नाम है, ठीक है, ये बैक्टीरिया को अटैक करते हैं। अभी क्या होता है, वायरस हमको पता है लिविंग नहीं होते, है ना, वायरस हमको पता है लिविंग नहीं होते, वो लिविंग कब बनते हैं, जब वो किसी दूसरे ऑर्गेनिज्म के अंदर जाते हैं और उनकी मेटाबॉलिज्म, उनकी चीजों को यूज करके अपने आप को मल्टीप्लाई करते हैं, है ना, कोरोना वायरस आपका लिविंग थोड़ी है, वो बॉडी के अंदर आने के बाद लिविंग हो जाता है, फिर वो मल्टीप्लाई होता है, ऐसे कहीं पड़ा पड़ा वो मल्टीप्लाई नहीं हो सकता, बॉडी के अंदर आके वो मल्टीप्लाई होता है। तो जब ये, अब मान लो कि मैंने बना दिया ये इसका डीएनए, ठीक है, जब ये इसको अंदर आया तो इसने अपना डीएनए इसके अंदर ला दिया, ठीक है, अब क्या करता है, अब ये इसके न्यूक्लियस को डिसइंटीग्रेट करेगा, इसका जो न्यूक्लियस है ना, इसका ब्रेक डाउन करेगा, इसका डीएनए को तोड़ेगा, ठीक है, अलग अलग जगह से तोड़ देता है, और अपने आप को मल्टीप्लाई करने के लिए ना अपने डीएनए की कॉपीज बनाता है, ठीक है, क्या हुआ, बैक्टीरियोफाज, वायरस आया बैक्टीरिया के ऊपर, उसको अटैक कर दिया, उसके उसके डीएनए को तोड़ दिया, अपने आप को मल्टीप्लाई किया,
उसकी वजह से क्या होता है, उसकी वजह से मल्टीप्लाई तो कर दिए, बहुत सारे कॉपीज तो बन गए। एक बेवकूफी वो ये कर देता है कि उसने थोड़ा सा डीएनए ले गया, वहां पे थोड़ा सा डीएनए मिक्स हो जाता है वायरस का और बैक्टीरिया का, ठीक है, इस वायरस और बैक्टीरिया का डीएनए मिक्स हो गया। अब ये वायरस जब दूसरे बैक्टीरिया में, दिस इज बैक्टीरिया वन, दिस इज बैक्टीरिया टू, इसके पास भी अपना डीएनए है। अब यही सेम वायरस जब इसके अंदर आएगा तो इसके पास तो बैक्टीरिया का डीएनए है भाई, इसके पास तो बैक्टीरिया का डीएनए है, तो वो यहाँ पे ला देगा, तो चांसेस ये होते हैं कि इन दो बैक्टीरिया के डीएनए थोड़े से कंबाइन हो गए, तो अगेन यहाँ पे क्या हुआ, जेनेटिक रिकॉम्बिनेशंस। ऑलराइट, कोई डाउट? ठीक है, एंडोस्पोर्स में कुछ प्रॉब्लम है? एंडोस्पोर्स क्या होते हैं, बॉडी के अंदर स्पोर बन रहे हैं, जब अनफेवरेबल कंडीशंस आ रही हैं तो अंदर बॉडी के स्पोर्स बन गए, कवरिंग बन गई उसकी, टाइट सी कवरिंग बन गई, हार्ड कवरिंग बन गई। अब जब फेवरेबल कंडीशंस आएगी, बैक्टीरिया मर गया लेकिन बॉडी के अंदर स्पोर को कुछ नहीं हुआ और वो जर्मिनेट हो जाएगा, जर्मिनेट मतलब वो न्यू बैक्टीरिया में ग्रो हो जाएगा। ठीक है, नाउ लास्ट मेथड इज कॉन्जुगेशन। कॉन्जुगेशन में क्या होता है, अब देखो कॉन्जुगेशन में पाइलस आता है। पाइलस कैसे आता है, देखो अब मान लो कि एक मिनट स्क्रीन आ रही है, मेरी स्क्रीन आ रही है ना, ठीक से, चलो कोई नहीं। चलो कॉन्जुगेशन में क्या होता है, सबको दिख रहा है? ओके, कॉन्जुगेशन में मतलब अब क्या होगा, एक बैक्टीरिया आया, ठीक है, आपके पास आया एक बैक्टीरिया, ठीक है, अब इस एक बैक्टीरिया ने क्या किया, चलो कोई नहीं, हाँ ना, अब एक बैक्टीरिया और है और ये दोनों ही ना आपस में अलग है, ये अलग क्यों है, इसको वैसे मान देते हैं ये बदनसीब है, ब्लैक कलर का हमने कर दिया और ये जो खुश है इसको मैंने रेड कलर का बना दिया, ठीक है, ये आ गया मेरा दूसरा बैक्टीरिया, ठीक है। अब मैंने आपको ना प्लाज्मिड बताया था, क्या बताया था मैंने आपको, प्लाज्मिड ना एक और टाइप का प्लाज्मिड हो गया आपका, एफ प्लाज्मिड, दिस इज योर एफ प्लाज्मिड, ठीक है। अब ये जो होते हैं ना प्लाज्मिड, जो होते हैं ना बच्चों, सेल्फ रेप्लिकेटिंग होते हैं, मतलब ये अपने आप को ना खुद से ही रेप्लिकेट करते हैं, इनको किसी और की जरूरत नहीं होती, ये खुद मल्टीप्लाई हो जाते हैं, ठीक है। तो ये जो प्लाज्मिड है ना, ये सेल्फ मल्टीप्लाई होके ना एक और बन गया, ठीक है, एक और बन गया। अब देखो यहाँ पे क्या होगा, देखो एक एफ प्लाज्मिड है, दिस इज नोन एज द फर्टिलिटी प्लाज्मिड, ठीक है। किसी किसी में ना जिसमें ये एफ प्लाज्मिड होता है वो एक, उसको हम एफ पॉजिटिव बोलते हैं, ठीक है, एफ पॉजिटिव बोलते हैं, एफ प्लस भी बोल सकते हो, एफ पॉजिटिव एफ प्लस जो भी है, उसमें रिप्रोडक्शन करने की एक बड़ी यूनिक सी कैपेसिटी होती है। वो क्या करते हैं, जैसे ही उसको दूसरा बैक्टीरिया मिला, उसका मन क्या रिप्रोड्यूस करने का, वो क्या करेगा, क्योंकि इसके पास ये एफ प्लाज्मिड है, इसने अपने एफ प्लाज्मिड को रेप्लिकेट कर लिया, अभी क्या हुआ, इसको मैं बोलती हूं एफ पॉजिटिव, ठीक है। अब इसके पास क्या था, एक पिलाई था, एक क्या था, पाइलस, ठीक है, पाइलस इज द सिंगुलर, इसने फेंका दूसरे बैक्टीरिया पे और इसने अपना एफ प्लाज्मिड उसको दे दिया, तो इसके पास तो एफ प्लाज्मिड था नहीं, तो इसको मैंने बोला था एफ नेगेटिव, इसको बोला था एफ नेगेटिव, ठीक है, क्योंकि इसके पास प्लाज्मिड नहीं है। तो इसने जब इसको अपना एफ प्लाज्मिड दिया, तो अब ये सेम चीज यहाँ पे भी आ जाएगी, तो अब क्या हुआ, दोनों ही मेरे बन गए एफ पॉजिटिव, ठीक है। तो यहाँ पे हो रही है बच्चों कॉन्जुगेशन, यहाँ पे कॉन्जुगेशन होती है जब एक बैक्टीरिया अपना जेनेटिक मटेरियल दूसरे बैक्टीरिया को ट्रांसफॉर्म करता है, ठीक है, कोई डाउट? चलो अब ये हो गया हमारा, इसका न्यूट्रिशन पढ़ लिया, सब कुछ पढ़ लिया, नाउ पढ़ेंगे बैक्टीरिया की इकोनॉमिक इंपॉर्टेंस, उसके हार्मफुल और उसके यू नो जो जो वो हमें नुकसान पहुंचाते हैं।
बैक्टीरिया ना बड़ा नुकसान पहुंचाते हैं, बड़ी बीमारियां फैलाते हैं, जैसे ट्यूबरक्लोसिस। आप बहुत सारे डिजीजेस ये अलग अलग चैप्टर में पढ़ोगे, माइक्रोबैक्टीरियम ट्यूबरक्लोसिस, ठीक है। लेप्रोसी आपकी माइक्रोबैक्टीरियम लेपरी कॉज करते हैं। डिप्थीरिया, तो यहाँ पे मैंने पूरा एक टेबल दिया है, ये क्या है बच्चों, आपको डिजीज कॉजिंग बैक्टीरिया है और जो जो डिजीज वो कॉज कर रहे हैं। कुछ कुछ और होती है, जैसे क्राउन गोल है ना बच्चों, ये प्लांट की हो गई, ठीक है, ये भी हो गई प्लांट की हो गई, ये सब हम हो गई, ठीक है। ये जो एंथ्रेक्स हो गया ना, एंथ्रेक्स ये एनिमल्स के केस में होता है बच्चों, एनिमल्स को होती है ये डिजीज, ठीक है। उसके अलावा जैसे फूड पॉइजनिंग हो जाती है ना, कभी कभी बासी कुछ खाना खा लिया, फूड पॉइजनिंग हो गई, तो एक और बैक्टीरियम होता है हमारे पास क्लॉस्ट्रिडियम, क्लॉस्ट्रिडियम बोटुलिनम, बोटुलिज्म फैलाता है, यानी कि फूड पॉइजनिंग फैलाता है। तो बहुत सारे ऐसे बैक्टीरिया हैं जो कि क्या करते हैं, डिजीज कॉज करते हैं। लेकिन सभी बैक्टीरिया ऐसे नहीं होते, बहुत सारे बैक्टीरिया हमारे लिए बड़ा अच्छा अच्छा काम करते हैं। जैसे हमको पता है हमें कर्ड बनती है ना, बैक्टीरिया सॉइल को नाइट्रोजन फिक्स करने में हेल्प करता है, नाइट्रोजन फिक्सेशन में मदद करता है, ठीक है। ये देखो, ये है एंटीबायोटिक्स, कितने सारे बैक्टीरिया से हमको एंटीबायोटिक्स मिलती है। तो बैक्टीरिया के फायदे भी होते हैं, नुकसान भी होते हैं। चलिए, अब हमने क्या कर लिया, हमने जनरल बैक्टीरिया पढ़ लिया, ठीक है, बहुत सारे उसमें यू बैक्टीरिया के हमने चीजें पढ़ ली। अब हम एक सर्टेन टाइप ऑफ यू बैक्टीरिया पढ़ने वाले हैं, जिसको हम साइनो बैक्टीरिया बोलते हैं। साइनो बैक्टीरिया इज ब्लू ग्रीन एल्गे। नाउ ब्लू ग्रीन एल्गे इज नॉट एन एल्गे, इट इज अ बैक्टीरिया, ठीक है, ये बैक्टीरिया होता है। अब देखो ये बैक्टीरिया कैसा होता है, This is a eubacteria, जैसे मैंने आपको बताया, एक आर्के बैक्टीरिया भी होता है, ये ट्रू बैक्टीरिया है, ठीक है। उसके अलावा बच्चों ये होते हैं आपके यूनिसेल्यूलर, ठीक है, ये यूनिसेल्यूलर हो गए, ऑब्वियसली ये प्रोकैरियोट्स हैं। एक बड़ी अच्छी चीज है इनके अंदर, ये होते हैं फोटोसिंथेटिक, ये फोटोसिंथेसिस करते हैं। फोटोसिंथेसिस मतलब ये लाइट को यूज करके अपना खाना बना रहे हैं। अब ये लाइट को यूज कर रहे हैं, इसका मतलब इनके अंदर ग्रीन ग्रीन कलर का क्लोरोफिल तो होना चाहिए, ठीक है। तो देखो कैसे होता है, कुछ एग्जांपल्स ले लेते हैं हम। ये ना अलग अलग तरीके से पड़े होते हैं, अलग अलग तरीके से पाए जाते हैं, कभी कभी ये ना सिर्फ यूनिसेलुलर तरीके से पाए जाते हैं, एग्जाम्पल स्पाइरिड्यूना, ठीक है, कुछ कुछ ना इस तरीके से, ये आपको दिख रहा है ना, इट इज एन एग्जाम्पल ऑफ अ बैक्टीरिया, फिलामेंटस बैक्टीरिया, ये नोस्टॉक है बच्चों। कुछ कुछ बैक्टीरिया ना फिलामेंट की तरह, मतलब ऐसे मोती की तरह एक से एक जुड़े होकर ना एक फिलामेंट सा बना देते हैं, अगर एक फिलामेंट है उसको ट्राइकोम बोल देते हैं, तो ये नोस्टॉक है। एग्जाम्पल एक और बता देती हूँ आपको, फिलामेंटस बैक्टीरिया का एक और एग्जाम्पल इज ऑसिलेटोरिया, यस, ठीक है, ऑसिलेटोरिया। कुछ कुछ ना बच्चों कॉलोनीज में मिलते हैं, यानी कि इकट्ठा ग्रुप होते हैं, एग्जाम्पल एनाबीना। तो बहुत सारे हमारे ऐसे ऐसे हो गए बैक्टीरिया, ब्लू ग्रीन एल्गे, बहुत सारे होते हैं, ठीक है, ये फोटोसिंथेसिस करते हैं। अब देखो इनको क्या इनकी वो है खासियत, देखो थोड़ा सा इस इमेज को हाँ बड़ा कर देते हैं। अब देखो यहाँ पे देखो क्या हो रहा है, ठीक है, चलो ये है मेरे, अब देखो यहां पे ना सेल्स हैं, इस तरह के सेल्स हैं। अब यहां पे मुझे एक और सेल दिख रहा है, ये दिख रहा है, इसको यहां बना लेती हूं। इसके अंदर जैसे मैंने आपको बताया ये ऐसे जुड़े होते हैं एक दूसरे से, ठीक है, एक दूसरे से जुड़े हैं। अगर इनकी इनकी जो पेरिफेरी रीजन है ना, इनकी जो पेरिफेरी रीजन है ना, यहां पे थायलाकॉइड्स प्रेजेंट होते हैं। क्या होता है, इनके पास थायलाकॉइड्स, ये थायलाकॉइड्स के अंदर क्लोरोफिल होगा, और ये क्लोरोफिल होता है क्लोरोफिल ए टाइप का क्लोरोफिल, ओके, क्लोरोफिल ए, ये क्लोरोफिल ए हेल्प करता है फोटोसिंथेसिस करने में, ठीक है। अगर मैं इसकी सेल मेम्ब्रेन की बात करती हूं, तो इसकी जो बच्चों सेल मेम्ब्रेन होती है इसकी, लेट्स सपोज ये सेल मेम्ब्रेन है, तो सेल मेम्ब्रेन यूकैरियोट्स यू बैक्टीरिया की तरह है, इसमें ये बनी होती है लिपो प्रोटीन से, ठीक है। इसकी जो सेल वॉल होती है ना, इसकी जो सेल वॉल होगी ये दो पार्ट्स में होती है, एक आउटर, जो कि पता है आउटर सेल वॉल किसके होती है, पेप्टिडोग्लाइकन का होता है, बैक्टीरिया में पेप्टिडोग्लाइकन,
पेप्टिडो ग्लाइकन, ठीक है, और होती है इनर सेल वॉल। इनर सेल वॉल ये बनी होती है लीपो पॉलीसेकेराइड से, ठीक है, इसमें लिपिड्स भी होते हैं और पॉलीसेकेराइड्स भी होते हैं, ठीक है, ये हो गया। अब इसके अलावा इसमें और टाइप के भी सेल है। मैंने आपको क्या बताया कि भाई एक तो कर रहे हैं ये फोटोसिंथेसिस, तो इसके लिए यहाँ पे थाइलोकोइड वाले सेल हो गए, ये सारे सेल के अंदर हो गया क्लोरोफिल। अब इनमें एक बड़ी अच्छी खूबी और भी है, ये क्या करते हैं ना, जो नाइट्रोजन है, मैंने क्या बताया था, कोई भी ऑर्गेनिज्म ना नाइट्रोजन को इजिली यूज नहीं कर पाता, तो ये नाइट्रोजन को ना यूज की फॉर्म में, अमोनिया की फॉर्म में ना खुद ब खुद बना लेते हैं। खुद ब खुद कैसे बना लेते हैं, क्योंकि इसके लिए जो एंजाइम चाहिए, नाइट्रोजिनेज एंजाइम, ये नाइट्रोजिनेज एंजाइम इनकी बॉडी के अंदर होता है। लेकिन ये कैसे होता है, ये सारे सेल में नहीं होता, ये देख रहे हो यहाँ पे हेटरोसिस्ट है, हेटरोसिस्ट ये एक सेल, कुछ कुछ के बाद एक सेल आपका इस तरीके से, एक आपको हेटरोसिस्ट मिल गया, तो इसके अंदर कवरिंग होती है, हार्ड कवरिंग होती है ये काफी, और यहाँ पे प्रेजेंट होते हैं एंजाइम नाइट्रोजिनेज जो उनको इस तरीके से नाइट्रोजन फिक्सेशन में मदद करते हैं। लेकिन ये जो नाइट्रोजिनेज एंजाइम होता है ना, ये ऑक्सीजन के लिए बहुत ही सेंसिटिव होता है, ऑक्सीजन के प्रेजेंस में ये काम नहीं कर पाता, इसीलिए ये हार्ड कवरिंग, क्योंकि अब देखो, अब ध्यान से सुनो, बिल्कुल ध्यान से सुनो, यहाँ पे तो फोटोसिंथेसिस हो रही थी, तो यहां से ऑक्सीजन रिलीज हो रहा था, ये ऑक्सीजन यहां जा सकती है, यहां जा सकती है, और ये यहां चली गई तो नाइट्रोजिनस काम नहीं कर पाएगा, जब नाइट्रोजिनस काम नहीं कर पाएगा तो डेफिनेटली आगे वाली चीजें नहीं हो पाएंगी, मतलब अमोनिया नहीं बन पाएगा, इसीलिए ये हार्ड कवरिंग क्या करती है, इसको ऑक्सीजन से बचाती है, ऑक्सीजन से प्रोटेक्ट कर रही है, ऑक्सीजन अंदर नहीं जा पा रहा, ठीक है, ये हो गया हमारा साइनोबैक्टीरिया। उसके अलावा क्या हो गया, नाउ लास्ट में देखो, लास्ट में साइनोबैक्टीरिया में ये देख रहे हो आप, एक मिनट, एक मिनट, चलो आपको मेरी स्क्रीन दिख रही है, ऑल राइट, स्क्रीन दिख रही है, ठीक है, कोई प्रॉब्लम, ऑल राइट, ठीक है। तो मैंने आपको क्या बताया था, यहाँ पे आपके पास एक और चीज दिख रही है मुझे, यहाँ पे इस तरीके की लेयर, दिस लेयर इज नोन एज अ म्यूसिलिनजिनस लेयर। ये म्यूसिलिनजिनस शीथ क्या करती है, इन सेल को ना आपस में जोड़ के रखती है, ठीक है, आपस में जोड़ के रख रही है। नाउ नाउ अब हमारे पास अगला आ जाओ, अगला क्या बच गया बच्चों मेरे पास, यहाँ पे एक और चीज आ जाती है, माइकोप्लाज्मा। मेरी स्क्रीन चेंज हो गई, चलो कोई नहीं, यहाँ पे माइकोप्लाज्मा सबको दिख रहा है ना इजीली, यहाँ पे कुछ मिस नहीं हो रहा है आई गेस पॉइंट, ऑल राइट, ठीक है, यहाँ पे लिख लेती हूँ। माइक्रोप्लाज्मा बच्चों देखो क्या होता है, हमने साइनो बैक्टीरिया पढ़ लिया, हमने यू बैक्टीरिया पढ़ लिया, ठीक है, अब हमको करना है आरके बैक्टीरिया और माइकोप्लाज्मा, ये दो इंपॉर्टेंट चीज आपकी रह गई, तो फटाफट से एकदम कर लेते हैं। देखो माइकोप्लाज्मा क्या है, यहाँ पे ज्यादा कुछ नहीं होता, इसमें है आपकी सिंपल सी चीजें, ये एक नाम याद कर लो, इन्होंने इसको डिस्कवर किया था, ठीक है, ही डिस्कवर्ड फर्स्ट टाइम माइकोप्लाज्मा। ये बच्चों सबसे छोटा सेल है, इट इज द स्मॉलेस्ट सेल, जितने भी सेल्स है ना, मतलब जितने भी सेल्स, उसमें सबसे छोटा स्मॉलेस्ट सेल होता है माइकोप्लाज्मा। इट इज अ बैक्टीरिया, इस बैक्टीरिया के पास इसका साइटोप्लाज्म है, इसके पास आरएनए है, इसके पास राइबोसोम्स है, इसके पास होती है थ्री लेयर की सेल मेम्ब्रेन, ठीक है, थ्री लेयर की होती है सेल मेम्ब्रेन। नाउ इस सेल मेम्ब्रेन के बाहर सेल वॉल भी तो होनी चाहिए, सेल वॉल भी तो होनी चाहिए, लेकिन लेकिन क्या होता है, माइकोप्लाज्मा बेचारा बदनसीब बैक्टीरिया है जिसमें देयर इज नो सेल वॉल, तो ये बिना सेल वॉल का माइकोप्लाज्मा है। तो एग्जांपल कैसे, क्वेश्चन इस पे कैसे आते हैं कि स्मॉलेस्ट सेल कौन सा हो गया, माइकोप्लाज्मा की क्या होती है स्पेशल खासियत कि उसके पास उसका सेल वॉल नहीं होता, बिना सेल वॉल का होता है, इसको ना PPLOB बोलते हैं, यानी कि निमोनिया, दिस इज प्लूरो
निमोनिया लाइक ऑर्गेनिज्म, ये जो होते हैं ना ये निमोनिया एक टाइप का कॉज करते हैं, तो ये हो गया आपका माइकोप्लाज्मा। ठीक है, चलो अब आपके पास लास्ट यहां पे बच जाता है, कहां गई, चलो लास्ट, नाउ लास्ट वी हैव आर्के बैक्टीरिया, ये हमारा लास्ट है, छोटा सा टॉपिक है ये। देखो अभी तक हमने पूरा मोनेरा पढ़ लिया जो भी इंपॉर्टेंट था अभी तक, लेकिन जो हम पढ़ रहे थे ना बच्चों वो यू बैक्टीरिया पढ़ रहे थे। क्या पढ़ रहे थे? यू बैक्टीरिया पढ़ रहे थे, और हमने किया था मोनेरा में आर्के बैक्टीरिया भी होता है। अब आर्के बैक्टीरिया किस तरीके का होता है ना, इसमें कुछ कुछ यू कैरियोट्स वाले फीचर्स होते हैं, इसमें कुछ कुछ बैक्टीरिया वाले फीचर्स होते हैं और कुछ कुछ यू कैरियोट्स वाले फीचर्स होते हैं। ये सबसे प्रिमिटिव है, ये क्या होते हैं, इट इज द प्रिमिटिव, सबसे पुराने, मतलब सबसे पुराना पाया जाने वाला जो फॉसिल है ना वो आपका आर्के बैक्टीरिया का था। इट इज द ओल्डेस्ट स्पीशी, मतलब सबसे पहली जो चीज मिली, जो बैक्टीरिया की चीज मिली, दैट वाज आर्के बैक्टीरिया। अब देखो मैंने पहले भी आपको चीज बोली है, पहले के टाइम में कंडीशंस बहुत ज्यादा खराब थी, बहुत ज्यादा एक्सट्रीम कंडीशंस थी, तो इस टाइप के बैक्टीरिया एक्सट्रीम कंडीशंस में रहते हैं। जब ये एक्सट्रीम सलाइन और सॉल्टी कंडीशंस में रहते हैं तो उसको हम बोलते हैं हैलोफाइट्स। ठीक है, हैलोफाइट्स ये होते हैं आपके आपके वो बैक्टीरिया जो कि बहुत ज्यादा एक्सट्रीम सॉल्टी कंडीशन में रहते हैं। ठीक है, उसके अलावा कुछ बैक्टीरिया होते हैं जो आपके मिथेनोजेंस, जैसे एग्जांपल मिथेनोजेंस बैक्टीरिया, जैसे मिथेनोकोकाई। ठीक है, मिथेनोकोकाई इज एन एग्जांपल ऑफ मिथेनोजेंस। ठीक है, मिथेनो बैक्टीरियम इज एन एग्जांपल ऑफ मिथेनोजेंस। ये क्या होते हैं ना, ये मार्शी लैंड्स में होते हैं जहां पे बहुत सारा पानी होता है, घास फूस होती है, और यहाँ पे जो कार्बन डाइऑक्साइड होता है उसको ये मिथेन में कन्वर्ट करते हैं। तो दिस टाइप ऑफ बैक्टीरिया जो मिथेन रिलीज करते हैं, ये पर्टिकुलर बैक्टीरिया र्यूमिनेंस में भी प्रेजेंट होते हैं। किसमें प्रेजेंट होते हैं? र्यूमिनेंस। र्यूमिनेंस कैसे हो गई? जैसे काव हो गई, ये क्या करते हैं, इनके पास ना ये प्लांट्स को खाते हैं, हर्बीवोर्स होते हैं, तो इन र्यूमिनेंस के पास एक एडिशनल स्ट्रक्चर होता है जिसको आप र्यूमन बोलते हो। यहाँ पे र्यूमन के अंदर क्या होता है, सेल्यूलोज डाइजेस्ट होता है। तो यहाँ पे ये बैक्टीरिया प्रेजेंट होते हैं जो सेल्यूलोज को डाइजेस्ट करते हैं, हेल्प करते हैं, और यहाँ पे मीथेन गैस रिलीज होती है। ठीक है, चलो हमारे सलाइन वाले हो गए, मीथेन वाले हो गए, और एक एक्सट्रीम हाई टेम्परेचर्स में सल्फर स्प्रिंग्स में होते हैं, मतलब जहाँ पे काफ़ी सल्फर का कंटेंट ज़्यादा होता है और काफ़ी जहाँ पे टेम्परेचर ज़्यादा होता है उनको बोलते हैं थर्मो एसिडोफाइल्स या फाइट्स। ठीक है सर, ओके दिस शुड बी फाइल हम ना प्लांट्स के लिए यूज करते हैं फाइल्स। हैलोफाइल्स एंड अगेन थर्मो एसिडोफाइल एक्सट्रीम टेम्परेचर में रहते हैं और वहाँ पे बहुत सारे सल्फर, यू नो हॉट सल्फर स्प्रिंग्स, बहुत ज़्यादा सल्फर रिलीजिंग एटमॉस्फेयर होता है, तो इस टाइप में, इस जगह में पाने वाले बैक्टीरिया को ये बोलते हैं। तो ये हो गए हमारे आर्के बैक्टीरिया। तो आज हमारा मोनेरा फिनिश हो गया है, नेक्स्ट क्लास में हम नेक्स्ट किंगडम स्टार्ट करेंगे और मैं आपके लिए क्वेश्चंस लेके आऊंगी। तो आज के लिए इतना ही, थैंक यू।